आज की इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करूंगा। पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव बाई रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट सिक्स प्लस रूट फाइव बाय रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। यहां पर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका और इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहां पर नीचे वाले में, यहां पर ये पार्ट आपको नजर आ गया है, ये आपको पार्ट नजर नहीं आया है। इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या बनेगा, ये रूट सिक्स माइनस रूट फाइव और यहाँ भी रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब रूट सिक्स प्लस रूट फाइव रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। अब देखें हम लोग जरा, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या होगा, ये होल स्क्वायर, मतलब इसको लिखेंगे रूट सिक्स माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर और उसको लिख देंगे रूट सिक्स प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स प्लस बी स्क्वायर फाइव का टू ए बी। उसी तरह से यहां पर होगा आपको सिक्स प्लस फाइव प्लस टू ए बी, यहाँ पर रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और रूट फाइव का फाइव, ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। सिक्स प्लस फाइव इलेवन, सिक्स प्लस फाइव इलेवन और इलेवन प्लस इलेवन ट्वेंटी टू, सिक्स माइनस फाइव वन, आंसर आपका हो गया ट्वेंटी टू। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए। एक और मेथड अगर हम लोग गौर करें इस पर, तो देखिए उसको हम लोग उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला मेथड था, अब हम दूसरे मेथड पर आते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए इस वाले को, तो क्या मिलेगा आपको, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव रूट सिक्स प्लस रूट फाइव इंटू प्लस, अगर हम किसे इंटू करेंगे, माइनस वाले से। और इसको अगर बात करें हम, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव रूट सिक्स माइनस रूट फाइव है, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, प्लस वाले से। चलिए अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पर रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर देखिए हम लोग ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां आपको रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, सिक्स माइनस फाइव ये आपको वन ही रह जाएगा। यहां पर आप कीजिए तो a प्लस बी प्लस टू ए बी, सिक्स माइनस फाइव ये भी आपको वन ही रह गया, तो वन और वन तो सेम ही है, तो सिक्स प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स रूट फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस टू रूट सिक्स इंटू रूट फाइव, ये और ये कैंसिल हो गया, सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस इलेवन आपका होगा आंसर ट्वेंटी टू। तो इस तरह से देखिए हम ये दोनों ही मेथड से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं और आप किसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, इसमें निकालना आपको है वैल्यू, फाइंड यहां आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू है रूट थ्री माइनस रूट टू बाय रूट थ्री प्लस रूट टू और b बराबर दिया हुआ है आपको रूट थ्री प्लस रूट टू बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। आपको फाइंड करना है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहां पर हम देखें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को रेशनलाइज करके सिंपल वैल्यू निकालिए,
तो ए बराबर हम इसको सिंप्लीफाई कर दे, रेशनल वैल्यू निकाले हम, तो प्लस है, तो प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस वाले से। अब देखिए ए माइनस बी मतलब ऊपर हो गया आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें बी के लिए, तो बी के लिए आपको होगा रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू है, माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाले से। तो ये आपको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हम देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का स्क्वायर टू, मतलब थ्री माइनस टू, तो यह हो गया आपको थ्री माइनस टू। यहां पर अगर हम देखें अब इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस टू ए बी, फिर यहां पर ए स्क्वायर माइनस थ्री यानी कि थ्री माइनस टू, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ए बराबर आप देखिए क्या मिल रहा है, थ्री प्लस टू फाइव माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू टू रूट सिक्स, और थ्री में से टू गया तो वन ही बचता है, तो ए का वैल्यू आपको इतना ही रह गया। बी का अगर बात करें हम, तो थ्री प्लस टू फाइव रूट थ्री इंटू रूट टू टू रूट सिक्स और थ्री माइनस टू वन ही रह गया। तो ये मेरा ए का सिंप्लीफाइड वैल्यू और ये बी का सिंप्लीफाइड वैल्यू हुआ। अब हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए वहां पर इसका हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ए के बदले क्या लिखाएगा आपको, तो फाइव माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर, और वहां पर आपका क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हुआ, बी के बदले फाइव प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी मतलब फाइव माइनस टू रूट सिक्स और यहां आपको फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब देखिए यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो सॉल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये इतना दूर हुआ आपको, ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसको हम यहां तक लिखे हैं। फिर अगला जो होगा वो क्या होगा आपको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आपका ये वाला हुआ, फिर यहां प्लस है। अब देखिए यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम सबका वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, फाइव का स्क्वायर क्या होगा बोलिए, ट्वेंटी फाइव, टू रूट सिक्स का स्क्वायर ट्वेंटी फोर, टू का स्क्वायर फोर और रूट सिक्स का सिक्स, तो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर, यहां आपको अगर टू फाइव टेन, टेन टू जै ट्वेंटी, तो माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स। यहां पर फिर करें हम लोग, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, इसका आपको ट्वेंटी फोर और यहां आपको प्लस ट्वेंटी रूट सिक्स, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर, ये आपका हो गया ये वैल्यू। अब देखिए यहां पर ये और ये अपोजिट है तो कैंसिल, ये ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर आपका कट गया, बचा क्या आपको, तो बचा है फाइनली ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर, मतलब ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी, सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर नाइनटी नाइन, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपके बुक में एक आध क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से मिलते चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपको है तीन तीन डिजिट का रेशनलाइजेशन, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग एकदम ध्यान से इस जो जो पॉइंट बताऊंगा मैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं तो आप पहचानिए, किन दो को हम लें तो तीसरा निकलता है। तो यहां अगर हम मान लेते हैं रूट थ्री और रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं, रूट थ्री का थ्री और फाइव कितना होता है एट, और रूट टू का स्क्वायर टू, दोनों नहीं मिल रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं लेंगे। अगला मेरे पास ऑप्शन है रूट फाइव और रूट टू, रूट फाइव का फाइव
टू का टू, ये सेवन हो गया, लेकिन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, ये भी नहीं लेंगे। अगला बचता है मेरा ये और ये, रूट थ्री का थ्री और रूट टू का टू, तो ये हो गया फाइव, और रूट फाइव वाले का भी फाइव होता है। मतलब हम जो पेयर बनाएंगे एक साथ वो किनका रहेगा, रूट थ्री माइनस रूट टू वाले का एक साथ और रूट फाइव आपका अलग। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से लिख रहे हैं रूट थ्री और माइनस रूट टू वाले को हम एक पेयर के रूप में लेके चलेंगे। क्यों लिए थे ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। यहाँ हो गया आपको रूट थ्री माइनस रूट टू को ऐसे ब्रैकेट में करके अलग सेपरेट कर दिए, और रूट फाइव को हम उसी तरह से ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर तो देख रहे हैं हम ये प्लस है बीच में, तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वाले से। ये आपका होगा रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव, नीचे भी आपको वही क्लियर है। अब आप इसको इन सब से गुना कीजिए, तो होगा थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव, ये आपका ऊपर का पोर्शन हो गया। नीचे देखिए तो ए प्लस बी ये आपको मिल रहा है, ये पूरा आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरा हो गया आपको ए, ये हो गया बी, यहाँ से ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी और यहाँ है ए माइनस बी। जानते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपको ये, तो रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर और माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। ऊपर आपको क्या नजर आएगा, थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव बाई, यहां देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव होता ही है। चलिए आगे, हो गया थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, यहाँ होगा टू रूट सिक्स और यहाँ माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव कट गया, आपको क्या मिलेगा, थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव बाई माइनस टू रूट सिक्स। यहाँ देखिए आपका इरेशनल पार्ट कौन है, तो केवल रूट सिक्स है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टू रूट सिक्स ही मल्टीप्लाई करते हैं, उससे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो आपको इरेशनल पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट सेवन आता तो रूट सेवन से, रूट फाइव है तो रूट फाइव से ही करेंगे हम लोग। यहाँ रूट सिक्स नजर आ रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट सिक्स से ही ऊपर नीचे, तो ये आपका बन जाएगा थ्री, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ऊपर हो गया आपको थ्री रूट सिक्स रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव बाई माइनस टू तो रहेगा ही, रूट सिक्स इंटू सिक्स सिक्स हो जाएगा, थ्री के टेबल में सिक्स टू बार में, आपको क्या मिल गया, रूट सिक्स रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव बाई माइनस फोर। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री रूट एटीन, रूट सिक्स इंटू रूट टू रूट ट्वेल्व, रूट सिक्स इंटू रूट फाइव रूट थर्टी बाई माइनस फोर। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई लिखना चाहते हैं, आपको बुक के अनुसार मिला लेना होगा, जैसा आंसर कहेगा वैसा आप यूज कर लीजिएगा। रूट एटीन है तो उसको हम लिख सकते हैं थ्री रूट टू, रूट ट्वेल्व को लिख सकते हैं टू रूट थ्री, और ये तो ऐसे ही रहेगा बाई माइनस फोर, ठीक है। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, आप माइनस के ऊपर भी ले जाकर कर सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जैसा आप आंसर का डिमांड रहेगा उतना पर ही आप उसको यूज कीजिएगा। और अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग एक्सरसाइज का मतलब जो बुक आप यूज कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बनाना आप शुरू कर दीजिए, और जहां डाउट हो वो आप क्लियरली होकर पूछिए।